राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है भूगोल का विकास। संभवतः भूगोल ही मानव के सबसे पुराने बौद्धिक कार्य का केंद्र रहा है। इसकी नींव भारत, चीन, यूनान, अरब तथा अन्य देशों के विद्वानों द्वारा प्राचीन काल में ही डाली गई, जब उन्होंने अपने स्थानों के अतिरिक्त अन्य देशों और वहां के लोगों के बारे में लिखने का साहस किया। ईसा से लगभग 10वीं शताब्दी पूर्व लिखे गए अथर्व वेद में उस समय तक प्राप्त ज्ञान के अनुसार पृथ्वी, इसके भूलक्षण, जैव भूगोल तथा मानव बस्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। भारतीय मनीषियों ने विश्व के विभिन्न भागों, विशेषकर मध्य एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जाकर भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचाया। इसी प्रकार चीनी विद्वानों ने भी उस समय के ज्ञात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर भारत की यात्राएं की। ऐसा ही मिस्र, इराक, यूनान और अरब के यात्रियों ने भी किया। ये लोग अज्ञात देशों के प्रथम खोजकर्ता थे। इन लोगों के अनुभव आधारित ज्ञान से एक अद्भुत संस्कृति की उत्पत्ति हुई, जिसके चिन्ह आज भी दक्षिण, दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया में कुछ मानवीय मूल्यों की समानता के रूप में देखे जा सकते हैं। इससे विभिन्नता में एकता का आभास होता है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मिलिटस निवासी थेल्स ने, जो यूनान का भूगोलवेत्ता था, पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में बताया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में टॉलेमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में एक रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया। भारतीय ज्योतिषियों तथा भूगोलवेत्ताओं का योगदान उनके अपने समय से बहुत अधिक विकसित था। कॉपरनिकस से एक शताब्दी पूर्व आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भास्कराचार्य ने न्यूटन से 1200 वर्ष पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया।
कालिदास रचित मेघदूत में मध्य भारत के भूगोल का वर्णन अत्यधिक सटीक है। अरब के लोगों ने भी इस दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है तथा ज्ञात ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया है। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की और यहां की भूमि तथा लोगों के बारे में लिखा। चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी के दौरान नए नए देशों तथा समुद्री मार्गों की खोज से यूरोप के बाहर विश्व के भौतिक स्वरूप, विभिन्न स्थानों तथा लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इससे यूरोप के लोगों को अधिक जनसंख्या वाले यूरोप से अल्प जनसंख्या वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका प्रवास करने में मदद मिली। इससे यूरोप के लोगों को संसाधन समृद्ध एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से लगभग पूरी तरह अपने अधीन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त भौगोलिक विवरणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के प्रयास आरंभ हो गए थे। इसमें दो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ए.वी. हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने प्रमुख भूमिका अदा की। इससे पूर्व महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान, जिसे विज्ञान कहते हैं, में उचित स्थान दिया था। उन्होंने भूगोल को पांच उपभागों, गणितीय भूगोल, नैतिक अर्थात सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यावसायिक भूगोल तथा धार्मिक भूगोल में बांटा। भूगोल स्कूलों में बड़ा लोकप्रिय विषय बन गया क्योंकि इसने इच्छुक प्रवासियों, प्रशासकों तथा व्यापारियों को विभिन्न स्थानों की उचित जानकारी दी। धीरे धीरे स्थानों और लोगों के वर्णन के अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति मानव प्रतिक्रियाओं में विभिन्नता की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल पर्यावरण और मानव के गतिक संबंधों और भूपृष्ठ पर उसके प्रभाव के अध्ययन के रूप में उभर कर सामने आया। परंतु प्रकृति और मानव संबंधों के प्रश्न पर भूगोलवेत्ता एक मत नहीं थे, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पर्यावरण मानव और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रणवादी कहलाए। इनका नेतृत्व फ्रेडरिक रेडजेल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन ने किया। दूसरी तरफ वे लोग जिन्होंने कहा कि मानव नए नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को अपने अनुरूप बदल लेता है, संभववादी कहलाए। इनका नेतृत्व विडल डी ला ब्लाश तथा एल फेवर ने किया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में भूगोल एक ऐसे विषय के रूप में उभर कर आया जिसने भूपृष्ठ का अध्ययन क्रमबद्ध एवं क्षेत्रीय दो दृष्टिकोणों से किया। क्रमबद्ध भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु, जैव भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल आदि
उपविषय शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय भूगोल में प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय विज्ञान, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक योजना, क्षेत्र योजना आदि शामिल हैं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूगोल का विकास। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख एमएन कॉल तथा आरके गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।